हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या। और आज मैं आप लोगों के लिए 27 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें, डिटेल ज़रूर देखें, क्योंकि डिटेल से आप लोगों के काफ़ी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ने को मिलती है। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिरा 03 नाम का रोबोट किस देश ने तैयार किया है जो कोरोना की टेस्ट करेगा? तो ये मिस्र देश ने तैयार किया है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। मिस्र में ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जो COVID-19 टेस्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, यह मरीज का तापमान चेक कर सकता है और मास्क ना पहनने वाले लोगों को चेतावनी भी देता है। कोविड टेस्ट के अलावा यह इकोकार्डियोग्राम, ब्लड टेस्ट और एक्सरे भी करता है। जांच के परिणाम रोबोट के सीने पर लगी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCS के पहले CEO फकीर चंद कोहली कितने साल की उम्र में गुजर गए हैं? तो ये 96 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के फाउंडर और पहले फकीर चंद कोहली का गुरुवार में निधन हो गया है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि TCS के फाउंडर कौन थे? तो वो है सी फकीर चंद कोहली, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कहा जाता है। फकीर चंद कोहली टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ 1991 में जुड़े थे। इन्हें 2002 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर संविधान से संबंधित मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। इस दिन 1949 में भारत के संविधान को अपनाने की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, और यह भारत के संविधान के बारे में जागरूकता लाने और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात हुई है भारत का संविधान, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि इस तरह के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो जो भारत का संविधान है, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में पूरा हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार किया गया था, तो ये 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में पूरा किया गया था। वर्तमान में इसके 22 भाग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 1 प्रस्तावना है। मूल रूप से इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसे किसने लिखा था, भारत के संविधान को किसने लिखा था? तो मूल रूप से इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। डॉक्टर B.R. अंबेडकर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के संविधान पिता कौन थे, तो वो है B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक देव के जीवन पर पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु नानक देव के जीवन पर पुस्तक का अनावरण किया है। अच्छा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर एक पुस्तक जारी की है, और इसे कृपाल सिंह जी ने लिखा है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि
गुरु नानक देव के जीवन पर और आदर्शों पर पुस्तक लिखी गई है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है कृपाल सिंह ने। अब यहाँ पर गुरु नानक देव के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1459 को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और वह सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक देव हैं और सिख धर्म के पहले गुरु भी थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखना शुरू कर दिया था। उनकी जयंती को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये ग्रेग बार्कले ने किसकी जगह ली है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट के 2012 से प्रमुख हैं और ग्रेग बार्कले शशांक मनोहर की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थी मोबाइल ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो थी मोबाइल ऐप को तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च किया है। लेकिन ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आग लगने पर, तूफान आने पर, गैस लीक होने पर या किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपातकाल की स्थिति में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवपा मेलारा के नाम पर रखा गया है। अब ये है कौन, महादेवपा मेलारा कौन है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। मेलारा कर्नाटक के हावेरी जिले के स्वतंत्र सेनानी थे। अच्छा, ये हावेरी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो स्कॉटलैंड महिलाओं को पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जहां पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त कर दिया गया है। 4 साल तक चले अभियान के बाद, ये अभियान 4 साल से चल रहा था, यह ऐतिहासिक फैसला 24 नवंबर 2020 को लिया गया है। इस कानून के तहत स्थानीय प्रशासन को पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। इससे महिलाओं और लड़कियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? तो कतर देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2020 की मेजबानी करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कितनी टीमें होंगी? 22 टीमें होंगी और इसका आयोजन दिसंबर 2021 में कतर देश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम सुरक्षा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो यहाँ पर एक ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। हाँ, हिम से बनता है हिमाचल प्रदेश, तो हिम सुरक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अब ये सुरक्षा अभियान है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में डोर टू डोर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, आयुर्वेद, पंचायती राज विभाग को एक गैर सरकारी संगठनों की लगभग 8,000 टीमें डोर टू डोर डेटा संग्रह करेंगी। यहाँ पर आप लोगों का वीडियो फिनिश होता है। आई होप मैंने आप लोगों को वेल मैनर में एक्सप्लेन किया है और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर वीडियो आप लोगों को सच में अच्छा लगा है
तो इसे शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।